नमस्कार दोस्तों, आज हम मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ सभी इंडियन भाषाएं में फोनेटिक टाइपिंग करना सीखेंगे। फोनेटिक टाइपिंग क्या होती है? जैसे कि मैं रमेश टाइप करना चाहता हूँ मराठी में, तो मुझे उसका स्पेलिंग टाइप करना है, RAMESH। तो ये मराठी में टाइपिंग हो जाता है। चलो शुरू करते हैं, आसान है। मैं ISM ओपन कर लेता हूँ, इसके कुछ सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ कीबोर्ड टाइप फोनेटिक ही रखना है क्योंकि हम फोनेटिक टाइपिंग करने वाले हैं। स्विच की कोई भी रख लीजिए, कैप्स लॉक रख लीजिए, न्यूम लॉक, स्क्रॉल लॉक, मैंने न्यूम लॉक रखी है। यहाँ लैंग्वेज कोई भी सेलेक्ट कीजिए, पूरे इंडियन लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है। मैं यहाँ से मराठी यह लैंग्वेज सेलेक्ट कर देता हूँ। फॉन्ट टाइप मोनो लैंग्वेज ही रखिए, एक नंबर का टाइप है, मोनो लैंग्वेज यही रखिए। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और हमारा फोटोशॉप CS3 ओपन कर लेता हूँ। ये फोटोशॉप CS3 32-बिट वर्जन रहने के कारण मराठी टाइपिंग कर सकते हैं, 64-बिट वर्जन में इंडियन लैंग्वेज में टाइपिंग नहीं होता। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, इसमें टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर देता हूँ और अपने इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ DVTT से कोई भी फॉन्ट ले लेता हूँ, ये देवनागरी फॉन्ट है, मराठी और हिंदी टाइपिंग के लिए ये फॉन्ट है। मुझे अगर आसामी भाषा में टाइप करना है तो ASTT, बांग्ला फॉन्ट में टाइप करना है तो BNTT, गुजराती टाइप करना है तो GJTTT और पंजाबी टाइप करना है तो PNTT, ऐसे हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते। मैं फिलहाल मराठी टाइप करना चाहता हूँ, इसलिए DVTT भीमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और आपके कीबोर्ड का न्यूम लॉक बटन ऑफ है तो उसे ऑन कीजिए, ISM इंजिन शुरू हो जाएगा। मैं स्पेलिंग टाइप कर लेता हूँ, RAMESH MENDHEKAR, एंटर। अगर मुझे गुजराती में टाइप करना है तो GJTT यह फॉन्ट ले लेता हूँ। और यहाँ ISM में सेटिंग लैंग्वेज गुजरात यह सेलेक्ट कर लेता हूँ, गुजराती, और मिनिमाइज कर देता हूँ। जय जवान, जय किसान, यह टाइप कर लिया है गुजराती में। हाँ चलो कन्नड़ टाइप करेंगे, KNTT फॉन्ट ले लिया है। और हमारे ISM में सेटिंग कर लेते हैं लैंग्वेज कन्नड़ा और इसे मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ टाइपिंग कर लेते हैं, जय जवान। मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा, मगर इस टाइप से हम सेव कर सकते हैं। देखिए मैंने तीन लैंग्वेज में यहाँ टाइपिंग किया है, मराठी, गुजराती और कन्नड़। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ मुझे फाइल का नाम इंग्लिश में देना है, इसलिए मैं न्यूम लॉक ऑफ कर देता हूँ और इंडियन इंडियन टाइपिंग सेव कर लेता हूँ। फोटोशॉप CS3 को क्लोज कर देता हूँ। मैं अभी फोटोशॉप CC 2020 वर्जन ओपन कर लेता हूँ और यह इंडियन टाइपिंग जो फाइल बनाई है वह ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ तीनों लैंग्वेज में टाइपिंग आया है। इसे कॉपी पेस्ट करके आप प्रीमियर में, आफ्टर इफेक्ट में, इलुस्ट्रेटर में, जो चाहे सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट करके अपना इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट हर तरह की डिजाइन में यूज कर सकते हैं। अगर आपने जादू इंस्टॉलेशन किट डाउनलोड की है तो उसमें यह सॉफ्टवेयर ISM वर्जन 6 यह सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, नहीं तो आज ही जादू इंस्टॉलेशन किट पे 80% डिस्काउंट है, आज ही डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।